हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर के। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे लाइफ को बहुत ही आसान बनाते हैं, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लाइफ को भी आसान बनाने में थोड़ा भी अगर मदद करें तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टिप्स मेरा ये है दोस्तों, इस प्रकार की जो बैग होती है इसमें हम लोग अगर वाटर बोतल रख लेते हैं पानी का, जिसे कहीं भी जा रहे हैं मान लीजिए सफ़र में, या फिर हम लोग कहीं भी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं ना, तो अक्सर ये इस प्रकार की जो बॉटल हम लोग ले जाते हैं पानी की, तो क्या करते हैं रख लेते हैं इस प्रकार से ना, तो क्या होता है वो देखिए, ये इस तरह से लुढ़क करके गिर जाता है एक जगह, मतलब स्थिर नहीं रहता है। आप कोई भी सामान वगैरह रखेंगे इसमें ना तो ये एक जगह टिकती नहीं है, तो इसे ना एक जगह मतलब स्थिर कैसे रखेंगे, ये बहुत ही मैं छोटा सा ये ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ही यूजफुल है। तो ये क्या करना है, इस प्रकार से ले लेना है ये गडर, इस प्रकार का जो हेयर बैंड लगाते हैं हम लोग ना वो, और इसे ना इस प्रकार से हम इसको पहले नाप लेंगे हमारा बॉटल कितना ऊँचाई में है यहाँ तक, तो इसके जो नेक आती है ना गर्दन वहाँ तक इसकी जो है हाइट को नाप लेंगे, और नापने के बाद में ये सेफ्टी पिन में लगा करके इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे गडर को, और ये देखिए इसमें इस तरीके से ना पहना देंगे इसमें बॉटल के नेक में। तो अब कितना भी आप इसे मूव करेंगे ना हिलेगा तो ये गिरेगा नहीं और एक जगह स्थिर रहेगा। तो आप बैग में झोले में कोई और सामान भी रखेंगे ना, जैसे कपड़े वगैरह भी रख दिए तो वो भीगेगा नहीं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला टिप्स। तो दोस्तों इस प्रकार से चश्मे की जो ये कवर होती है ना, स्पेक्टिकल्स की जो ये कवर होती है ना, ये पड़ी रहती है घर में, तो इसका आप अच्छा सा यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आप ट्रेवल वगैरह कर रही हैं ना, या फिर आप वर्किंग वूमन हैं और अपने पर्स में आप थोड़े बहुत मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह रखती हैं ना, तो इसमें आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं अपने पर्स में, और बहुत ही कम जगह लेता है, और इसमें अच्छे से ना बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब देखिए इसमें लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर वगैरह और सिंदूर बिंदी वगैरह भी आ जाती है, तो इसमें आप अरेंज करके रख सकते हैं। या फिर आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं एक दो दिन के लिए जाना है ना, तो थोड़े बहुत मेकअप के प्रोडक्ट आप इसमें रख करके ले जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर का काम करता है। तो तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टिप्स की ओर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो लिपस्टिक है ना हम लोग लगाते हैं, जो सेमी मैट होती है या फिर जो मैट लिपस्टिक नहीं होती है ना, वो क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं ना तो लिप से ना बहुत जल्दी ना निकल जाती है लिपस्टिक। तो इसे ना किस प्रकार से हम लगाएं कि ये वाटरप्रूफ हो जाएगा, तो इसका मैं तरीका बता रही हूँ। ये देखिए मैं अपने हाथों पर लगा कर दिखाती हूँ आपको। तो क्या करना है ना कि इस पर डाल देना है थोड़ा सा टेलकम पाउडर, और इस पर मिला लेना है अच्छे से, और मिलाने के बाद में इसे ना हल्का सा झाड़ देंगे हाथों से। तो और इसके बाद में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल लगाया है ये देखिए देखिए पोंछने से निकल जा रही है, लेकिन जो हमने ना इसके ऊपर जो टेलकम पाउडर लगा दिया है लिपस्टिक के ऊपर, उसके बाद ये देखिए वाटरप्रूफ हो जाता है। तो क्या कीजिए ना, आप अपने लिप पर लिपस्टिक लगा लीजिए, और लगाने के बाद में पाउडर लगाने के बाद में टेलकम पाउडर वो इस प्रकार से कॉटन से ना झाड़ लीजिए पाउडर को, तो वाटरप्रूफ आपका हो जाएगा लिपस्टिक, और लिप पर ना लिपस्टिक बहुत देर तक स्टे करेगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये लिपस्टिक हमने लगा लिया और हमने छुड़ाना कैसे है, इसका भी टिप्स मैं दे रही हूँ। तो मेकअप रिमूवर अगर नहीं है आपके घर में ना, तो भी आप अच्छे से मतलब इसको निकाल सकते हैं लिपस्टिक को। तो क्या करना है ना कि ये थोड़ा सा लगा लेना है वैसलीन को लिपस्टिक पर, मतलब लिप के ऊपर में जहाँ आपने लिपस्टिक लगाया है, और इसे ना रिमूव कर लेना है, इस प्रकार से पोंछ देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है वैसलीन से, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी दाग नहीं रहेगा। या फिर आप वैसलीन से नहीं लगाना चाहते हैं ना, तो भी मैं एक और तरीका बता रही हूँ। क्या करना है ना कि ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, लिपस्टिक पहले लगा लिया है मैंने, और क्या करना है ना कि ले लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, और उसे कॉटन पर या फिर कपड़े पर लगा करके इस पर आप पोंछेंगे ना तो रिमूव करेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये देखिए। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टिप्स की ओर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ऑयल जो है ना, सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, कोई भी तेल है ना, जैसे हम लोग निकालते हैं ना कभी भी, तो बाय चांस क्या होता है कभी भी गलती से, या फिर रिफ़िल कर रहे हैं हम लोग ऑयल तो गिर जाता है, मान लीजिए किचन काउंटर पर गिर गया या फिर कहीं भी नीचे गिर गया ना, तो क्या करते हैं हम लोग पोंछ देते हैं कपड़े से ना, तो उसका जो दाग रह जाता है ऑयल का थोड़ा बहुत,
चाहे पानी से भी पोछेंगे ना तो भी दाग रह जाता है। तो क्या करना है ना कि जहाँ भी ऑयल गिर गया है ना वहाँ ऊपर में, तो वहाँ पर ना क्या कीजिए, सूखा गेहूं का आटा डाल दीजिए और उसके बाद डाल करके इसे हाथों से रब कर देंगे ना तो पूरे अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी दाग नहीं रह जाएगा नीचे में, क्योंकि जो भी तेल गिरा है ना वो ऑब्जर्व कर लेता है आटा। और ये देखिए पूरे आटे में आ गया है तेल और काउंटर पूरा साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा टिप्स। तो फ्रेंड्स ये मैं ना इस प्रकार के जो मसालदानी होती है ना, मसाले हम लोग रखते हैं तरह तरह से अलग अलग वैरायटी की इसमें, तो क्या करते हैं ना इस प्रकार से अगर रख देते हैं ना तो क्या होता है नीचे में पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ वह मैं दिखाती हूँ, जिससे कि ना मुझे ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। मैं नीचे में पेपर लगा के रखती हूँ इसके बेस में, ये देखिए, और इसके बाद ना मैं जब भी रिफ़िल करती हूँ ना तो इसे निकाल करके हटा देती हूँ और नया फिर पेपर बिछा लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है। वरना ये पूरे मसालदानी को ना धोना पड़ जाता है, क्योंकि नीचे में हम लोग जब भी मसाले वगैरह निकालते हैं या फिर रिफ़िल करते हैं ना तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो गिरने की वजह से ना मसालदानी पूरा गंदा हो जाता है। तो क्या करना है, नीचे पेपर बिछा देना है और अब हम रिफ़िल वगैरह करेंगे ना तो जो भी गिरता वगैरह है तो इसे निकालना और साफ़ करना काफ़ी आसान होता है। अच्छा क्या होता है ना कि बहुत दिन तक हम मसालदानी में मसाले रखते हैं, अगर यूज नहीं तो ज़्यादा यूज नहीं होता है तो क्या होता है मसाले में मॉइस्चर आ जाता है। तो क्या करना है ना कि चम्मच से बीच बीच में कभी कभी मसाले को चला देंगे तो मसाले में मॉइस्चर नहीं रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगला टिप्स की ओर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की आजकल ना बॉटल जो है सभी के घर में पड़ी रहती है, स्प्राइट की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल वगैरह, और हम लोग ना इस पर इससे बहुत मतलब बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनाइजर वगैरह बनाते रहते हैं। तो इसके ना समस्या क्या होती है ना, काटते जब भी है ना तो ये इक्वल कटती नहीं है बराबर, मतलब हम लोग काटते हैं तो कटता नहीं है। या इस प्रकार के जो डब्बा वगैरह होता है इसे भी हम मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजर बनाना है या कुछ भी बनाना है ना तो इसे काटना है ना हमें, तो किस प्रकार से काटेंगे कि एकदम इक्वल कटे बराबर कटे, तो इस पर किस प्रकार से लाइनिंग करेंगे तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या करना है ना कि आपको जितनी भी लंबाई कट करनी है उतनी हाइट की आप ना दूसरी एक डब्बा ले लीजिए और उसके ऊपर ये देखिए इस प्रकार से स्केच पेन रख लीजिए या फिर कोई भी मार्कर और जिसे मार्क करना है, और ये ना मार्कर को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रे एकदम एक जगह रखना है। और जिस बॉटल को हमें काटना है ये देखिए मैं ये उसी को आप इस प्रकार से घुमाएंगे ना, ये देखिए पकड़ करके, तो पूरा एकदम सीधा और एकदम सही सा निशान पड़ेगा बॉटल पे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एकदम इक्वल पड़ा है लाइन। तो अब आप इसे काट लीजिए चाकू को गर्म करके तो एकदम बराबर कटेगा। तो इसी प्रकार से कोई भी बॉटल को आपको प्लास्टिक की जो कंटेनर को कट करना है ना तो क्या करना है कि जहाँ तक आपको कट करना है उसी के साइज़ की आप कोई छोटा डब्बा या बॉटल ले लीजिए और उस पर रख करके स्केच पेन या फिर मार्कर को आप राउंड राउंड घुमाएंगे ना तो एकदम इक्वल लाइन कट आएगी। और ये देखिए उसके बाद आप तो इसके बाद आप कैंची से या फिर चाकू से कट कर लीजिए, एकदम बराबर इक्वल कटेगी। तो चलिए देखते हैं अगला टिप्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपके ना टी शर्ट में बॉल पेन की दाग लग गई है ना, जैसे मैं दिखाती हूँ, मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं तो यूनिफॉर्म में अक्सर लग जाता है, या फिर कोई बच्चे कई बच्चे शरारत से भी ना एक दूसरे के ऊपर में पेन से लिख देते हैं टी शर्ट के ऊपर में बच्चों के यूनिफॉर्म पे, तो क्या होता है कि दाग छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसे छुड़ाने के मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। क्या कीजिए कि ले लीजिए नेल पॉलिश रिमूवर, या दोस्तों नेल पॉलिश जिससे हम लोग क्लीन करते हैं वो, और उसे कॉटन में थोड़ा सा लगा लीजिए नेल पॉलिश रिमूवर को, और इसके बाद हम ये देखिए इस पर जहाँ पर हमने ना बॉल पेन की दाग लगी हुई है उसे इस प्रकार से रब करेंगे ना तो ये देखिए छूट जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा इसे ना पहले छूट जाएगा हल्का, उसके बाद में क्या कीजिए कि हल्का सा गुनगुने पानी में डाल दीजिए, डालने के बाद में इसे हाथों से रब कीजिए, और इसके बाद रब करने के बाद में इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा लिक्विड विम जेल डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा क्लीन होता है। तो ये डाल करके ना अच्छे से रब कर देना है और इसके बाद आप इसे धो लीजिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको धो करके, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से पूरा दाग इसका चला गया है, वो भी रिफिल के दाग नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़े भी यूजफुल लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टिप। फ्रेंड्स इस प्रकार की जो टेबल होती है ना तो कॉर्नर में क्या होता है ना कि कोई भी हम लोग प्लास्टिक का जो इसके ऊपर में टेबल क्लॉथ बिछाते हैं ना लगा के रखते हैं, तो क्या होता है ना कि टेबल क्लॉथ जो प्लास्टिक होती है वो सबसे पहले कॉर्नर से फटना शुरू हो जाती है।
तो क्या करना है ना, कोई किसी भी प्रकार का ये टेबल क्लॉथ हो, चाहे ये इस प्रकार का हो या फिर प्लास्टिक का हो, सब में ना कॉर्नर में सबसे पहले फटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो शार्प होता है कॉर्नर, तो इससे बचने के लिए क्या करना है ना, कि ताकि फटे नहीं हमारा टेबल क्लॉथ बहुत दिनों तक चले, तो बहुत छोटा सा उपाय करना है ना, कि इस प्रकार से ले लेना है ये सेलो टेप, और वाइट वाला सेलो टेप लीजिएगा, जिससे कि दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इसे कट करके हम एक या दो लेयर लगा देंगे कॉर्नर में, इस तरीके से, ये देखिए। तो सभी कॉर्नर पर लगा दीजिए आप एक एक लेयर, और इसके बाद आप ऊपर से टेबल क्लॉथ लगाएंगे ना, तो बहुत दिनों तक आपका जो है टेबल क्लॉथ चलेगा, बहुत दिनों तक फटता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी गर्मी का सीज़न है और मार्केट में ना बहुत ही अच्छे पके पके मीठे मीठे आम मिल रहे हैं, तो चलिए कुछ मीठा बनाया जाए इस गर्मी के सीज़न में, जिससे कि गर्मी से भी हमें राहत मिले। तो दही और मैंगो, मतलब आम से मिला करके ये रेसिपी बनती है, तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। मैंगो भापा दही, मतलब ये भापा दही बनती है, बट इसमें हम ट्विस्ट करके मैंगो भापा दही बनाया है मैंने, और ये ना बहुत ही कम मतलब इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, दो तीन इंग्रेडिएंट लगती है इसमें, मतलब दो से तीन चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है दही, और ये घर की जमी हुई दही है, तो ये मैंने लिया है दही को, और इसमें ना डाल दिया है मलमल के कपड़े में या फिर सूती के कपड़े में डाल दीजिए, और इसमें छान लेंगे इसको हम। तो छानने के लिए ना क्या करेंगे, इसमें भारी कोई भी चीज़ रख देंगे, ताकि इसका ना सारा पानी निकल जाए दही में का, मतलब हमें हैंग कर्ड चाहिए, मतलब दही जो है जिसमें पानी नहीं हो वैसी दही चाहिए। तो ये रख दिया मैंने ना, और वो ना दही को मैंने ना फ्रिज में रख दिया, ताकि वो खट्टी भी नहीं हो, तो आप 1 घंटे तक रख दीजिए, जिससे कि इसका पानी निकल जाए अच्छे से दही का। और ये मैंने लिया है पका हुआ आम एक, और इसके पल्प को निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैं काट ले रही हूँ, और इसके इस तरीके से देखिए, ये ना आप पल्प निकालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आसानी से निकल जाता है, बहुत ही बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरी वीडियो को किस स्टेट से या फिर किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखिएगा पूरा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पल्प निकाल लिया है मैंगो का, और इसे ना पीस लेंगे। तो मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ और इसे पीस ले रही हूँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से पीस लेंगे इसे। तो ये देखिए, पीस ले रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। तो ये पीस लिया है मैंने, ये देखिए अब मैं निकाल ले रही हूँ, मतलब साइड में रख देती हूँ फिलहाल, और ये पहले दही को मैं निकालती हूँ। तो ये देखिए, दही को ना रख दिया था मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छे से ना इसका पानी निकल चुका है, और बहुत ही बढ़िया सा ये हैंकर्ड हमें मिल चुका है। तो इसे क्या करेंगे ना, विस्कर से इसे मतलब इसको मिला लेंगे बढ़िया से, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे इसमें मिल्क मेड, तो ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में दोस्तों, ग्रोसरी शॉप पे। तो मिल्क मेड हमें ना 2 चम्मच में ले रही हूँ, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3 चम्मच ले लीजिएगा। और इसे ना हमें मैंगो भी डालना है, तो मैंगो मतलब पका हुआ आम भी मीठा होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, हल्का मीठा बना रही हूँ। और वैसे भी ये ना भापा दोई जो है थोड़ा हल्की मीठी रहती है, तो अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से मिल्क मेड को भी, और इसमें अब हम डाल देंगे ये पिसा हुआ मैंगो पल्प। तो इसकी ना कोई मेजरमेंट नहीं होती है कि आपको कितना दही लेना है और कितना मैंगो लेना है, लेकिन हाँ, इसमें ना जितना जैसे आप दही ले रहे हैं ना, तो दही से थोड़ा कम ही मैंगो लीजिएगा, और मिल्क मेड ऑफकोर्स आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मीठा जितना पसंद करते हैं, तो इसकी कोई खास मेजरमेंट नहीं होती है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ये दही, मिल्क मेड और मैंगो पल्प को। और अब क्या करना है ना, कि इसे ना एक मैं बर्तन ले ले रही हूँ इसमें, जिसमें हम लोग इसमें इसे ना स्टीम करेंगे। तो ये तो मैंने एक बटर पेपर ले ले रही हूँ, और बटर पेपर को इसमें लगा दिया है मैंने। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो कोई भी आप नॉर्मल सा पेपर काट लीजिए जो कि वाइट हो, और उसमें थोड़ा सा आप ना ऑयल लगा दीजिएगा, तो वो बटर पेपर का काम करता है, तो वो आप लगा दीजिए नीचे में। तो बटर पेपर लगाने की वजह से ना बहुत ही अच्छे से मतलब निकल जाती है स्मूथली। तो ये डाल दिया मैंने बटर को, और ऊपर से ना इक्वल कर लेंगे,
तो किसी भी आप कटोरी में मोल्ड में आप डाल करके इसे ना स्टीम कर सकते हैं। और अब ऊपर से क्या करेंगे, फॉइल पेपर लगा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा भी ना ऊपर से एयर नहीं जाए, नहीं तो जब हम स्टीम करेंगे तो इसमें पानी भर जाएगा। तो देखिए मैं अच्छे से टाइट कर दे रही हूँ एयर टाइट ये फॉइल पेपर से, और ये पानी डाल करके कढ़ाई में ना मैंने रख दिया था उबलने के लिए, ये देखिए। और उबल रहा है ना, तो इसमें अब ढक ढक देंगे और रख करके इसे हम 20 से 25 मिनट, मतलब 20 से 25 मिनट इसे हम ना इसे स्टीम करना है। तो ये देखिए ये 20 मिनट के करीब मैंने स्टीम किया इसे, और अब देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, पहले इसे चेक कर लेंगे। तो इसे ना पहले ओपन करके देख लेते हैं कि कैसा स्टीम हुआ है ये। तो लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसे स्टीम होने में भापा दोई को। तो ये देखिए मैंने इसमें कांटा डालकर देख रही हूँ ना, तो ये देखिए कि अच्छे से क्लीन निकल रही है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, यानी हमारी बहुत ही अच्छे से ये। तो अब इसे क्या करना है ना कि रख देना है, ये मैंने आधा घंटे रख दी थी, थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसे फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में आप इसे रख दीजिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, और जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए ना तब आप निकालिए। तो ये देखिए मैं रख दी थी 3 घंटे के लिए फ्रिज में, और अब हम इसे निकाल लेंगे, डीमोल्ड करेंगे। तो मैं किनारे में ना नाइफ की मदद से ना पहले इसको साइड साइड इसकी एजेस को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप किनारे से ना चाकू को घुमा दीजिए एक बार में, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको निकाल करके भी। तो अब क्या करेंगे ना कि एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट में इस प्रकार से ना पलट देंगे, ये देखिए हल्का सा डैप करेंगे तो निकल जाएगा। और ऊपर में जो इसकी जो बटर पेपर ने लगा कर रखा है ना, ये देखिए कितने अच्छे से निकल चुका है। और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, तो मैं ये पिस्ता बादाम से किनारे में डेकोरेट कर दे रही हूँ। और अच्छा दोस्तों, ये ना मैं जैसे ये गोल कटोरी में मैंने बनाया है ना, आप चाहे तो स्क्वायर में या फिर किसी भी मतलब डिज़ाइन की कटोरी हो ना, या फिर आपका जो मोल्ड हो उसमें आप बना सकते हैं इसे। तो और उसे आप ना किसी भी आकार में काट सकते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। तो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से काट करके ये केक के जैसा लग रहा है ना, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है खाने में। और बनाना बहुत ही आसान है, केवल 2 से 3 चीज़ों से ही बन भी जाता है। तो अभी गर्मी का मौसम है, आम बहुत ही पके पके मिल रहे हैं, तो आप लोग बनाइए ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मतलब यहाँ तो बहुत ही पसंद किया जाता है और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है ये भापा दोई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में, नए वीडियो में, तब तक से आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।